दोस्तों, आप जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल मैत्री तो देख ही रहे होंगे, जिसमें हमें अभिनेता नमिष तनेजा नजर आ रहे हैं, जो अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। जहां इनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी तो काबिले तारीफ है ही, साथ ही इनकी हैंडसम लुक दर्शकों को दीवाना बना देते हैं। यही नहीं, बल्कि आज पूरे देश की लड़कियां इनके हैंडसम लुक और पर्सनैलिटी की दीवानी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की भी कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो हमेशा ही नमिष तनेजा की इतनी ज्यादा दीवानी है कि उनसे शादी करना चाहती है। पर आखिर कौन सी है वो अभिनेत्रियां, यही बताने वाले हैं हम आज की वीडियो में। अगर जानना चाहते हैं आप भी ये सब, तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, हेली शाह। अभिनेत्री हेली शाह सीरियल स्वरागिनी में नजर आई थी और तब से ही ये उनकी पर्सनालिटी की इतनी ज्यादा दीवानी हो गई कि उनसे शादी करना चाहती हैं। यहां तक कि हेली शाह ने नमिष तनेजा को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर नमिष तनेजा ने इनके शादी के प्रपोजल को भी ठुकरा दिया। नंबर दो, कांची सिंह। अभिनेत्री कांची सिंह की बात करें तो आज पूरे देश भर में इनके दीवानों की कमी नहीं है। जहां सभी इनकी खूबसूरती पर मरते हैं, तो वहीं ये खुद अभिनेता नमिष तनेजा से शादी करने के लिए उतावली हो रही हैं। और उनके केयरिंग नेचर और पॉजिटिव अंदाज को देखते हुए ये उनसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं। नंबर तीन, मीरा देहोसले। विद्या सीरियल में मीरा देहोसले के साथ नजर आए अभिनेता नमिष तनेजा इन्हें इतने ज्यादा पसंद आए कि उनसे शादी करना चाहती हैं। जी हां, सीरियल विद्या के दौरान ही इन्हें नमिष तनेजा का नेचर और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। नंबर चार, ऐश्वर्या खरे। टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे आज नमिष तनेजा से शादी करना चाहती हैं, क्योंकि ऐश्वर्या खरे को लगता है कि जो जो इन्हें खूबियां अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए, वो सभी खूबियां अभिनेता नमिष तनेजा में मौजूद हैं। इसलिए आज ऐश्वर्या खरे भी नमिष तनेजा से शादी रचाना चाहती हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी अभिनेत्रियों में से नमिष तनेजा के साथ किस अभिनेत्री की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।